खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां घर में अकेली रहने वाली महिला की रात में किसी ने गला घोटकर हत्या कर दी। घटना के बाद घर में चोरी भी की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, जो घटना की जांच कर रही है। आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुरियारी गांव की बताई जाती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पार्वती सेन पति महेश निवासी मुरियारी रात घर में खाना खाकर सो रही थी। देर रात आरोपी उनके घर में घुस आए और महिला की गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने उसके बाद घर की तलाशी ली और समीप ही एक छोटी सी पेटी टूटी पड़ी थी, जिसमें रखे रुपए चुरा ले जाने की आशंका जताई जा रही है। सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे, लेकिन वृद्ध महिला नहीं उठी, तो पड़ोसियों को संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आइए सुनते हैं मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने क्या जानकारी दी है। बैकुंठपुर में एक पार्वती सेन मुड़ियारी गांव में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो भोपाल में शादी के बाद वहीं रह रही हैं, और ये अकेले यहाँ गांव में रहती थी। उनके आसपास कुछ कुछ वहाँ फैमिलियों का मकान है, वही लोग उनकी देखभाल करते थे। वो अकेले थी महिला, लगभग उस पार्वती जी की एज जो है 73 वर्ष के आसपास है। कल सुबह वो जब घर में बाहर दिखी नहीं, तो कुछ महिलाएं अंदर उस सुकता बस गई तो देखा, तो वो उनकी डेड बॉडी जो है चारपाई के बगल में पड़ी हुई थी। पास में जो है चूल्हे में खाने खाद्य पदार्थ जो है बनाया हुआ रखा हुआ था, और उसके गले से जो मोती की माला है वो टूटी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली है, पुलिस तत्काल घटनास्थल पे गई है, FSL टीम पहुंची है, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। घटना थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रही है, अभी मर कायम किया गया है, मर की जांच चल रही है और डेड बॉडी का PM हो रहा है। PM रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। जैसे प्रियम आता है तो अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।